दोस्तों, आपने भानगढ़, कुलधरा या ब्रिज भवन आदि कई प्रेत बाधित स्थानों के बारे में तो कई लेखों में पढ़ रखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी अग्रसेन की बावड़ी के बारे में सुना? तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी बावड़ी के बारे में बताएंगे जहां कई लोगों की रूहें इस बावड़ी की तह में दफन है। पुराने जमाने में पानी को बचाने के लिए इस तरह की बावड़ियों को बनाया जाता था। अग्रसेन की बावड़ी भी आसपास की जगहों के लिए लगातार पानी की आपूर्ति और यात्रियों के लिए एक जगह आराम प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। अग्रसेन की बावड़ी नई दिल्ली के कनॉट पैलेस के पास सीढ़ी नुमा कुआ है, जो कि 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। बावड़ी के नीचे तक पहुंचने के लिए करीब 160 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। इस जगह को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित जगहों की श्रेणी में रखा है। इसके बारे में कोई ऐतिहासिक तथ्य तो नहीं है, लेकिन इसे महाभारत काल में राजा अग्रसेन के द्वारा बनवाया गया था और 14वीं सदी में पुणे अग्रवाल समुदाय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अग्रसेन की बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि कई सालों पहले यहाँ एक बार बावड़ी में काला पानी भर गया था और उस जादुई काले पानी ने कई लोगों को इस पानी में आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा माना जाता था कि उस काले पानी में सम्मोहन की शक्ति थी, जिसे पीने के बाद लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते थे। कई लोगों का कहना है कि ये जादुई पानी इतना ताकतवर था कि ये इसके आसपास आने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता और लोग इस पानी को देखने तक से सम्मोहित हो जाते थे और इस पानी में कूद कर आत्महत्या कर लेते थे। इतना ही नहीं, कई लोगों को आज भी रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जो किसी को भी डरा सकती है। इसलिए यहाँ आने वाले लोगों को अंधेरा होने के बाद कभी यहाँ रुकने नहीं दिया जाता। कुछ एक को तो कुएं में कुछ गिरने की आवाज़ तक सुनाई देती है। बावड़ी की सैर पर आए लोगों को कई बार किसी के पीछा करने का आभास भी होता है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि 2007 में इस बावड़ी में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी, तभी से यहाँ किसी का एक काला साया नजर आता है जो उनका पीछा करता है। इतना ही नहीं, लोगों को बावड़ी में किसी के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। वर्तमान समय में ये कुआं पूरी तरह सूखा है और अग्रसेन की बावड़ी में नीचे उतरने पर एक गहरी चुप्पी का एहसास होता है। चमगादड़ों की चीखें बावड़ी के माहौल को और भी भयानक बना देती हैं। कुछ लोगों को यहाँ बुरी आत्माएं होने का एहसास हुआ। उन्होंने यहाँ कुछ अजीबोगरीब परछाइयाँ भी देखी। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि किसी के साए ने उनका पीछा किया है, जिसके डर से वो यहाँ से निकल गए। अब इन बातों में कितनी वास्तविकता है, इनका तो कोई पूरक परिणाम नहीं है, लेकिन लोगों का महसूस किया हुआ डर इन बातों पर यकीन करने को मजबूर कर देता है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।